नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश टैगोर है। एक इंश्योरेंस एजेंट होने के नाते आपको तीन ट्रैप हमेशा के लिए अवॉइड करना चाहिए, लिस्ट ट्रैप, प्रोडक्ट ट्रैप और बेगर ट्रैप। लिस्ट ट्रैप का मतलब है, ज्यादातर एजेंटों को एजेंट बनते बनते सिखाया जाता है कि लिस्ट बनाओ, पहचान वालों का, अड़ोस पड़ोस का, बचपन के यारों का, नेबर्स का, रिश्तेदारों का, सभी के सभी जितने भी लोगों को आप जानते पहचानते हो उनका लिस्ट बनाओ। नॉर्मली ये लिस्ट करीबन 100 से 150 लोगों का होता है और आपको बताया जाता है इन्हीं को जाके मिलो और इन्हीं को जाके इंश्योरेंस बेचने की कोशिश करो। इसमें कोई बुराई तो नहीं है, मगर आपको ये जानना आवश्यक है कि ये लिस्ट 2-3 महीना 4-5 महीने में खत्म हो जाएगा। एक बार ये लिस्ट खत्म हो जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि अभी मैं किसके पास जाऊं, किसको बताऊं, किसको बेचूं। आप अगर ये 150 को भूल जाएंगे तो एक दूसरा लिस्ट है जिसको कहते हैं अनजान लोगों का लिस्ट, और भारत में ये करीबन 150 करोड़ लोगों का है। पहचान वाले 150 है, अनजान 150 करोड़ है। कौन सा लिस्ट बड़ा है? 150 वाला, 150 करोड़ वाला। कौन सा लिस्ट कभी खत्म नहीं होगा? 150 करोड़ वाला। कौन सा लिस्ट में ज्यादा कामयाब लोग हैं? 150 करोड़ वाला। कौन सा लिस्ट आपको कामयाब बना सकता है? 150 करोड़ वाला। मगर आप कौन से लिस्ट में काम कर रहे हैं? ये 150 वाला। यह ट्रैप को आपको अवॉइड करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं द लिस्ट ट्रैप। दूसरे ट्रैप को कहते हैं प्रोडक्ट ट्रैप। प्रोडक्ट ट्रैप का मतलब है कस्टमर के पास जाना, आपकी कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में विश्लेषण देना, जीवन आनंद के बारे में, जीवन अक्षय के बारे में, जीवन अनुराग के बारे में, या जो भी आपका नया नया जीवन लक्ष्य के बारे में जाना, उमंग के बारे में बताना, तरंग के बारे में बताना, ये सब के सब बताना। जब आप ये सब बताते हैं, कस्टमर बोलता है रिटर्न्स कम है। यो जो कोटेशन आप देते हो, कोटेशन देके बोलता है कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न ज्यादा है, उसमें ज्यादा फायदा है, इसमें ज्यादा मजा नहीं है, ठीक है मैं सोच के बताता हूं, वगैरह वगैरह। तीसरा ट्रैप को कहते हैं बेगर ट्रैप। बेगर ट्रैप का मतलब है आप कस्टमर के पास जाकर क्या बात करना चाहिए, शुरुआत कैसा करना चाहिए, कैसे प्रोफेशनली बेचना चाहिए, यह सिखाया नहीं जाता ज्यादातर एजेंटों को। और हर प्रोस्पेक्ट, हर एजेंट प्रोस्पेक्ट के सामने पहुंच जाता है और शुरू कैसे करने का मालूम नहीं है, कैसे बात को प्रेजेंट करने का मालूम नहीं, क्या क्वेश्चन पूछने का मालूम नहीं। एज अ रिजल्ट वो एक मौका ढूंढता रहता है कि बात कैसे छेड़ो, और वो बोलने लगता है सर आप कितने का पॉलिसी आपके पास है, ये कम है, क्यों ना आप नया पॉलिसी ले लो, सर हमारा नया जो प्लान क्लोज हो रहा है इसलिए ये ले लो, सर अभी ना इंपॉर्टेंट टाइम है ले लो, आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए ले लो ले लो ले लो ले लो। और ये सुनकर कस्टमर बोलता है ठीक है अगला हफ्ता आ जाना, अगला महीना आ जाना, फोन करके आ जाना। और ज्यादातर एजेंट ना जितने बार कस्टमर घुमाता है उसके पीछे 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 फोन करते रहते, बार बार जाते रहते। नतीजा आपका डिग्निटी, मान सम्मान कम हो जाता है, कस्टमर के सामने सर चुकाना पड़ता है। एक्चुअली कस्टमर आपको एक भिखारी की तरह ट्रीट करता है, अभी नहीं बाद में वगैरह वगैरह। और आप लोगों को ये चीज रियलाइज करते हो, अवॉइड करना पड़ता है कि कस्टमर को ऐसे ट्रीट करने नहीं देना चाहिए। जिसका मतलब हम लोगों को कस्टमर के सामने बात को छेड़ना, बात को शुरू करना प्रोफेशनल तरीका आना चाहिए। जिस दिन आपको वो आ जाएगा, सब कस्टमर आपको रिस्पेक्ट के साथ बात करेंगे और पहला या दूसरे मुलाकात में ही आपके पास इंश्योरेंस खरीद लेंगे। आपको कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं, यही चीज हम सिखाते हैं ब्रह्मास्त्र ट्रेनिंग प्रोग्राम में। पहला ही दिन ब्रह्मास्त्र प्रोग्राम में हम लोग एक तरीका सिखाते हैं, टेक्निक सिखाते हैं, जिसका नाम है लीड जनरेशन टेक्निक। लीड जनरेशन में हम आपको बताते हैं अनजान 1 करोड़ लोग, 100 करोड़ लोग जो आपके पास है उनको आप कस्टमर कैसे बना सकते हैं, हाउ टू मेक अननोन पीपल योर कस्टमर्स। एंड सेकंड थर्ड एंड फोर्थ डे हम सिखाते हैं ब्रह्म मंत्र। ब्रह्म मंत्र एक ऐसा मंत्र है जब कस्टमर के सामने आप जाते हैं और बोलते हैं, कस्टमर बोलता है कि मुझे इंश्योरेंस खरीदना, मुझे LIC पॉलिसी चाहिए, और उसके बाद हम प्रेजेंट करते हैं ब्रह्मास्त्र। जब आप ब्रह्मास्त्र प्रेजेंट करते हैं तो कस्टमर ना सिर्फ बोलता है कि मुझे आप ही के पास इंश्योरेंस खरीदना है, बल्कि वो कहता है कि कितने का चेक दो। और हर कस्टमर से अगर आपको यही बातें सुनना है तो ब्रह्मास्त्र ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना आपके लिए अनिवार्य।